समस्त वीडियो दर्शक प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है लिंग परिवर्तन। हम लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न हर कक्षा में पूछा जाता है। स्टैंडर्ड 1 से दसम वर्ग तक जो सब पूछा जाता है। और ये लिंग जो है जानना हिंदी भाषा के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि भाषा का ये रीढ़ माना जाता है। इसके बगैर भाषा शुद्ध शुद्ध लिखा नहीं जा सकता, ना ही बोला जा सकता है, ना व्यक्त किया जा सकता है। लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। सबसे पहले तो आप इस पर कविता याद कर लीजिए, उसके बाद कविता याद करने के बाद आगे समझने में जो सो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे। कविता क्या है? या आई नील इनी आईल आनी परतय लगा देनी। परतय आपको बताया गया है, या इया नी इन इनी आईन आनी, ये सभी परतय है। अगर आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो इन प्रत्ययों के माध्यम से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आसानी से बना सकते हैं, जो आगे हम उदाहरण से समझाने वाले हैं। पहले इस कविता को याद करें। आई या लील इनी आई या इन प्रत्यय लगा दिनी, अक को ई का में बदल मानवाल को मतवती, ताको त्रि साधु साध्वी सकल। एक को ई का में बदल मानवावान को मतिवती, ताको त्रि साधु को साध्वी सकल। ये आप तर्ज पर बैठा करके जैसे भी हो इसको याद करें। हम इस प्रत्यय के माध्यम से मैं आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बदलते हैं ये मैं यहां बताया हूं। जैसे यहां देखिए, या परतय जोड़कर कैसे बनाते हैं, ये पुल्लिंग। जैसे बाल में या परतय लगा दिया अंत में तो बाला हो गया, जो स्त्रीलिंग है। आगे उदाहरण देखिए, भाव दिए, इसमें या परतय लगा दिए तो भाव दिया स्त्रीलिंग बन गया। प्रिय या परतय लगा दिए तो प्रिया। शिष्य या परतय लगा दिए तो शिष्या। या परतय लगाने पर हम इस तरह के शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, ई परतय जोड़कर, जैसे देखिए देव में ई परतय जोड़ दिए तो देवी, दीर्घाई का देवी, जो स्त्रीलिंग है। लड़का में ई परतय लगा दिया तो लड़की। इस तरह से अनेकों शब्द हैं जो हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग इन प्रत्ययों के माध्यम से बना सकते हैं। या परतय जोड़कर देखिए, लोटा में हम या परतय जोड़ दिए तो लुटिया हो गया। चूहा में या परतय जोड़ दिया तो चूहिया बन गया। या परतय इन परतय जोड़ करके देखिए, मालिक में इन परतय जोड़ दिए मालकिन हो गया। बाघ में इन परतय जोड़े तो बाघिन। पुजारी में इन परतय पुजारी। और यक को इका में बदलकर, जैसे नायक को नायक, यक को इका में बदल दिए तो नायिका, लेखक। यक को इका में बदले तो लेखिका। इस तरह से ता को त्रि में बदलकर, जैसे नेता ता है, इसको त्रि में बदल दिए तो नेत्री, अभिनेता। ता को त्रि में बदल दिया, अभिनेत्री।
इस तरह से अनेक शब्द है, जैसे अब आगे देखिए सेठ में हिनी सेठानी आनी पढ़ते लग जाता है सेठानी, इस तरह से अनेक शब्द है। आप इन प्रत्ययों को यूज कीजिए, उपयोग कीजिए और व्याकरण से देखिए कि मेरा जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है। अगर सही गलत लगे तो कमेंट भी करना है और पूछना भी है कि सर ये आप तो सही नहीं लग रहा है, तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वैसे गलत नहीं है, ये सही है ये सूत्र, और इस सूत्र को आप याद करें, निश्चित है कि आपका कहीं भी गलती नहीं होगी। और बहुत संक्षिप्त रूप से आप लिंग निर्णय करने के लिए, लिंग परिवर्तन करने के लिए आप सीख जाएंगे। आगे देखिए कुछ ऐसे भी अन्य शब्द हैं, जैसे वर, इसका कोई नियम नहीं है, इसका याद करना पड़ेगा। वर का वधु, नर का मादा, कवि का कवित्री, साधु का साध्वी, वीर का वीरांगना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उसको थोड़ा सा याद कर लेना पड़ता है और तब हम अच्छी तरह से लिंग निर्णय कर लेते हैं। धन्यवाद, आज यही हम समाप्त करते हैं।